एक बात अच्छी तरह समझ लो रतन, अगर तुमने उस भूषण सिंह ठाकुर की बहन का नाम भी दोबारा लिया तो तुम्हें उसी वक्त इस घर से बाहर निकाल देंगे और जायदाद से भी। फिर सड़क पर रहकर करना आशिकी, हम उस गैंगस्टर के खानदान से कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर। डैडी, डैडी, डैडी मेरी बात तो सुनिए डैडी, मैं श्रुति से बहुत प्यार करता हूं। नवाज जी, इंस्पेक्टर साहब आपसे कुछ पूछने आए हैं। आपके घर वालों ने हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है कि हमने आपकी शादी अपनी बहन के साथ जबरन करवा दी। बताइए सच क्या है, चाहिए कुछ कुछ पूछते हैं। देखिए सर, ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो गलत है। दरअसल मेरे डैडी ये शादी के खिलाफ थे, इसलिए मैं खुद घर छोड़कर आ गया। और रही बात श्रुति से शादी करने की, तो ये भी मैंने मेरी मर्जी से की। तो ठीक है ना, तो आनंद लीजिए अभी शादी का। अरे देखो लाइट चली गई, जनरेटर चलाओ। अरे ये कहाँ क्या आवाज आई? गोली नहीं चलाई। देखो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घर के पीछे की ओर, और वहां से हॉल में आने में लगभग 43 सेकंड लगते। अंधेरा होने की वजह से शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगा होगा, लगभग 50 सेकंड। अब या तो खूने घर का ही कोई आदमी जो घर की बनावट को अच्छी तरह जानता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लाइट ऑफ करके हॉल में आता है और रतन को गोली मार देता है, या फिर खूनी कोई बाहर का आदमी जिसे कोई दूसरा ही आदमी लाइट ऑफ करने में मदद करता है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद अजय। स्वाति, तुम अजय के बारे में फाइंड आउट करो, और राजबीर तुम श्रुति और रतन के बारे में पता करो। मामा जी के बारे में वो आस्तीन का सांप है, पार्टी फंड के सारे पैसे उड़ा रहे थे, भैया जी को पता चल गया। फिर उसके बाद क्या, भैया जी की जूती और मामा का सर। हाँ तो फिर भूषण जी ने उन्हें घर से बाहर निकाला नहीं? निकाल दिया था। मामा आए गिड़गिड़ाते हुए, भैया जी का दिल मुंह रख लिए वापस। साहब, मामा जी के दिल में भैया के लिए बहुत खुन्नस है, और तो और वो हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी ने रतन को दिया, उसका मुंह देखने लायक। गान भूषण के हाथ में थी, तुम्हें क्या लगता है राजबीर? एक्चुअली मुझे भी ये लगता है कि भूषण ने फोन किया है, मतलब लाइट जल्दी आ गई इसलिए उसे गन ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला, वरना भूषण जी खूनी नहीं है। कैसे? लाइट आने के बाद भूषण जी रतन के लेफ्ट साइड में खड़े, इनफैक्ट हर फोटोग्राफ में वो लेफ्ट साइड में ही खड़े, और गोली सर के राइट साइड में मारी गई, तो जाहिर है कि गोली राइट साइड से ही चली। भैया, भैया बोल रहा ना, रवि भैया का फोन आया था, उन्हीं से बात हुई थी हमारी, एक ही कट्टा मांगे थे वो। पता है कि रवि भैया के नंबर से फोन आया था, लेकिन कट्टा लेने कौन आया था? भैया कट्टा लेने कोई नया लौंडा आया था। हर बार कौन आता है? हर बार तो अजय भैया आते हैं, इस बार कोई नया था। जरूरी नहीं कि अगर रवि के मोबाइल से फोन आया, जब मैं मामा जी का गया तो वहां वो चाय के कप बड़े तरीके से सेट, जैसे कि तुम्हारे घर पे सेट, वो कप जो तुमने वापस शेल्फ पर रखा था ताकि किसी को पता ना चले कि वहां कोई और भी था, और फिर तुम्हारे जूतों में वो सीमेंट जो मामा जी के घर के बाहर। कमीने, हमने तुझे अपना बॉस माना और तूने हमारे साथ गद्दारी की, रवि हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो, रवि छोड़ो।